না না আমি খাবো এমডি ক্যাশ। তারপরে सुष्मा चंद्र जी और किसको लगाना चाहते हैं? ऑप्शन दीजिए। पांडु के चौपर, जंगल का मोर, हृदय की डोर, निसी बासन। पढ़ के क्वेश्चन है, रावण कृष्ण चंद्र जी और किसको लगाना चाहते हैं? पोटेश मंडू के चौपर, जंगल का मोर, हृदय की डोर, निसी बासन। हमारे चंद्र की मंडपी चौपर, हृदय की डोर, जंगल का मोर, निसी बासन। ऊपर लाइन हो गई ना, ए रवि मन अपने किन्हों चारों चक्कर निसी बासन लगे रहे कृष्ण चंद्र की ओर। अब रवि मन भागा प्रेम का मत तेरो चिपकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले बाकी पर जाए। प्रेम का धागा जदि छिंडे बल बोलते नहीं, जल्दी से छिंडी बाग जोड़ी हो बनी, जदि जोड़ी हो पा ताहले ভাগাটারে কোন সূতাটারে গন্ঠি রহি যেমিতি গোটে সূতা কু ছিঁড়াই দেবে মাঝিরে, তারপরে সেটা জোড়ি হব না, যদি জোড়ি হব তাহলে কোন হব কেমতি জোড়ি হবে গন্ঠি পকাই কি করে গন্ঠি না রহিব যাহলে মাঝে গোটে পয়েন্ট রহিল সেই ভাড়া সম্পর্ক মধ্য এমতি নিভাব যেমতি ভাঙ্গ টুটু ন ভাঙ্গু, যদি ভাঙ্গি না তাহলে সেটা জোড়ি হব না, যদি জোড়ি না কিছু না কিছু তিনটা সাঙ্গ তুমি তিনটা সাঙ্গ দিন হোক আজ ঝগড়া হয়েছে না সাঙ্গ কটাকটি হয়ে গেল হলো, তারপরে যদি তুমি কে মিশে আসে কি তোমার মিটিং না হই না করলে আপস তোমার ফিরবি সে যে প্রথমে যে তোমার বিশ্বাসটা ছিল তাঙ্গ উপর তোমার কাম করা সেটা আর কিছু না কিছু কিছু মানে সে কো ঘটনা ঘটলে মনে করে যে আমি কথা ওকে করি কি তুমি কিছু না কইলে সে মিশে মনে আসে কি নাই করে ওটেন তো অসুবিধা হচ্ছে ওকে করি মানে নাই সেমতি হুয়া ঘরে ঘরে মধ্যে ঘরে সম্পর্ক আছে প্রেম সম্পর্ক আছে সব জিনিসের সেই গোটে কিছু আমি প্রেম কি ধাগে কো তোড় দেলে পর ক্যা হতা হে মিত্রতা ঝুট হতি হে ফির কো নেহি মিলতা শত্রুতা বাড়তি হে চিকন জাতা প্রেম কি ধাগে কো তোড় দেলে পর ক্যা হতা হে प्रेम का मत देरो छिटकाओ, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाओ। ऑप्शन अच्छी मित्रता दूर होती है फिर वो नहीं मिलता, शत्रुता बढ़ती है चिटक जाता है। समझ लाइन देखो, रविमन धागा प्रेम का मत देरो छिटकाए, प्रेम का धागा को मैं आपको देती रहूं दीदी, सलामत रखो प्रेम के धागा को मत तेरो चुटकाए, देखने ना छूटी जाए टूटी ना जाए, टूटी से फिर ना मिले, कभी टूटी नहीं गो
कांटी पड़ जाए जदी मिलिबो आ से कांटी पड़ गेल सुता रे कांटी सुता छिनी गला परे कांटी पड़ गेल परे सेटा मध्य कांटी पड़ गेल हैला सच्चा मित्र कौन है सच्चा मित्र ऑप्शन ऑप्शन है जो संपत्ति का हिस्सा ले जो वस्तुओं को जो खूब मिले जो विपत्ति में मदद करे जो विपत्ति में मदद करे वही सच्चा मित्र जो संपत्ति का हिस्सा ले जो वस्तुओं को जो खूब मिले जो विपत्ति में मदद करे जो विपत्ति में मदद करे वही सच्चा मित्र मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए कहने से दूसरे दुखी होते हैं कहने से झगड़ा होता है कहने से दूसरे हंसते हैं कहने से दूसरे मित्र बन जाते हैं कहने से दूसरे पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए रहीम ने दोहरे पानी का अलग अलग अर्थ है तीन प्रकार अच्छे थे कौन कौन स्पष्ट कीजिए पानी के तीन प्रकार अर्थ स्पष्ट कीजिए कौन कौन मैं पहला छोटे अच्छे कौन राहिम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पानी नहीं रही तो सब कुछ सुना या बेकार है एक ही पानी नहीं रही का मतलब इज्जत नहीं रही प्रथम लाइन में इज्जत नहीं रही तो पानी का तीन मतलब खोटे हुआ इज्जत नेक्स्ट मोती में पानी ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता मोती में पानी ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता मतलब मोती पर पानी है कि मोती पर कौन है मोती सुना था मोती का जब में कोई नहीं है आवाज आ जाए हाँ फिर अंडा चपचप करे कौन है चपचप करे बेटा कौन तार बेटा आवाज पानी ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता झलक कही होगा तो सही डाला तो पानी रो तो पानी का मतलब क्या है फिर चूने में पानी ना हो तो वो सुपर नष्ट हो जाता है सुनना रे सुनना पाना सुनो के लगा हुआ है यदि चूना में पानी ना हो क्या होगा सीधा कौन हो सुखी जीवन नष्ट हो जीवन तो एक्टिव पानी का अर्थ कौन जब तो तीन प्रकार है ना एक गोटे अच्छी जब गोटे आवाज अच्छी चल तो क्वेश्चन अच्छी पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए हम कौन कौन ना नहीं आपन आज तो कभी चल जब सियाहा जब चल ठीक कर ले पतली सी उजर मुंह के उदाहरण द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है पतली सी अभुजन कौन वर्षा ऋतु में स्वाति नक्षत्र के समय जो वर्षा की बूंदे गिरती है वर्षा दिन में स्वाति नक्षत्र समय रे जो वर्षा रो प्रथम बूंदा पानी का धरती ऊपर पड़ूती से पानी बड़े काम की चीज है सेटा बहुत मूल्यवान बहुत काम की चीज मतलब कुछ गोटे अलग घटना घटे कौन घटना घटे वे अगर पत्नी पर बरसती है तो वो कपूर बन जाती है यदि पत्नी मतलब केला के ऊपर अगर बरसती है तो वो केला वो बारिश के पानी को छूकर कपूर बन जाता है अगर सीप पर पड़ जाती है तो उसमें मोती भरती है सीप पर सामू पर यदि सही जो स्वाति नक्षत्र समय प्रथम वर्षा बूंद यदि सामू पर पड़े ताहले सेटा मोती है सामुगा घर मोती का है आजकल कदली कदली केले के पत्ते आ
आउ जदि सामग देह पड़िबो ताहाने सेटा मोटी हे और फिर यदि भुजम यानी सब के ऊपर पड़ते हैं तो भयानक विष बनती है, अगर सब के ऊपर पड़ती है तो भयानक विष निकलती है। एटे कॉपी काम की कबे लेंगे काम की ना गोटे जिंस तारो नजर केते प्रकार जेंति की तमे जदि गोटे भलो सांग सहित मिसिबो ताले भलो हबो, खराब सहित सहित सांग माने लाज ना आए आपको, बड़े आए को साथ, दिन ठीक ऐसे
प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। अस्ति जन्म मय देह मम कामो ऐसी प्रीति होती जो श्री राम मम होती ना भगवान की। ये बुझे वो लाइन बुझे जो बुझे ना तो मैं क्लास कॉल करना ना इधर पर ना ये तो लास्ट में जला सिख के ऊपर जो पति की ने किसी बॉडी जितने बड़े लास्ट में बॉडी चल मिलन जो टेबल को ऐसे चीज़
रामचरित मानस से अपना अभी होगा ऐसा अनुमान कर शरणागत को क्या करने वाला क्या है। इटा के बोल सकते राम बोल सकती क्या को बोल सकती क्या को बोल सकती ये तंको कोई ना जाएगी सूचना दे ही ले जे विभीषण आ तो छन दे ये बोलते सुग्रीव हां सुग्रीव बच गया ना विभीषण रावण द्वारा प्रताड़ित होकर उसे छोड़ से राम की शरण में आए और खबर सेनापति सुग्रीव ने और सेकंड चैप्टर नहीं है प्रथम पचरा हमने तुमको वर्तमान तुलसीदास पचरा सब पचरा हो पाए ना जेती की जेती की पढ़ा सरी जी पचरा हो पाए क्या ना खाली कितने लोग पचरा हुए थे ना पचरा हो सब कुछ तो आसी बना पढ़ा सॉरी जिंदे ना तू पढ़ा कितने बार वो पढ़ रहा है वो एक ऐसा रहा है ना एक ऐसा मामला आ चुका है रामचंद्र कौन को इतने जब भी शरणागत को हमें आश्रय न देवो ताने से कि कौन दे पावर प्राज्ञा प्रथम प्रमत पावर पावर मतलब पापी अच्छा कितने बार को नेक्स्ट क्लास रे तमे पढ़ी के आसीबो राम विभीषण मिलन भलो भाबे पढ़िबो पढ़ा तो हबो एके पढ़ा सब तुम पढ़ी के आसीबो राम विभीषण मिलन तमे पढ़िछो तमे भी पढ़िछो राम विभीषण मिलन पढ़ी के आसीबो तापरे फर्स्ट का पढ़ी के आसीबो रहिम के तो दीटा पत्र रखबो एबे तीन बाबू कितने बाबू पढ़े चो? ए कितने बाबू पढ़े चो? तुम पढ़े चो? कितने बाबू? राइटर बन? तू कैसे? मैंने सच्ची जाना पहले सच्ची जाना दिया ना अक्षय अगेन अगेन का जन्म कब हुआ था? 1911 कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की देवरिया जिले के कसिया गांव में हुआ था। इसे क्या गांव में पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री वो क्या थे? पुराण तत्व भी हाँ पुराण तत्व पूरा पूरा तत्व अपा आनंद सिंह की सबसे कौन सी भाषा हमें संस्कृत फारसी इंग्लिश ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया था कौन सी भाषा संस्कृत फारसी हिंदी अंग्रेज तमर कौन है ला आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड सब जाई छी हां कितने नावों की कितने बार कितने नावों की कितने बार के लिए किसी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितने नावों सॉरी लेखक के ये लेखक का कितने लेखक 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 को लेखक को पाई एग्जाम में पढ़ेंगे लेखक को लेखक के पास आप बहुत सुंदर लेखक हो आंगन के बार बार काव्य संकलन में लिए अज्ञे को कौन से पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कब आंगन के बार बार काव्य कब संकलित हुआ था 1940 देखा कभी अब
44 आंगन के पास है, आंगन के आंगन के पास है।
कैसे विषय पढ़ेगा, तुम इतिहास का कभी नहीं पढ़ेंगे आप? तुम्हें इतिहास कभी नहीं होगा आज साल ना, एक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर भी होगा। ठीक बच्ची,